रैली को लेकर हुसैनपुर पहुंचे भाजपा प्रधान श्वेत मलिक ने यहां वर्कर के साथ मीटिंग कर रैली को कामकाज करने को उत्साहित किया। वहीं राज्य सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह की कार्यशैली पर सवाल उठाए। श्वेत मलिक ने प्रधानमंत्री द्वारा अपने भाषण में 15-15 लाख हर भारतीय के खाते में आने को कांग्रेस द्वारा देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। पंजाब के जिला गुरदासपुर में 3 दिसंबर को होने जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए पंजाब भाजपा द्वारा रणनीति तैयार की जा रही है, जिसके प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्वेत मलिक पंजाब फेरी कर जिला होशियारपुर का दौरा किया। भाजपा कार्यकर्ता के साथ एक मीटिंग की। मलिक ने कांग्रेस सरकार पर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि प्रत्येक भारतीय के खाते में 15-15 लाख की राशि आएगी, बल्कि उन्होंने कहा था कि अगर देश में विदेशी काला धन आएगा तो 15-15 लाख आ सकते हैं। यह केवल कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह किया है। कांग्रेस की जेबा भर रहे ने, ओएसडीआं दी फौज बनाती है, जिते के इन्हां दा वित्त मंत्री कहिंदा खजाना खाली है, ते फिर ओएसडी 8-8 लाख रुपए की तनखाह कितों आ रही, चेयरमैन की तनखाह कितों आ रही। मैं समझना इस तो वड्डा धोखा कोई नहीं दे सकता जो अमरिंदर सिंह जी ने दिता है। देश की जनता भी कह रही है 15 लाख धोखा दिता है। देश नूं जो इस तरह है, मैं तुहानूं इही दस रहा, जो शानदार मोदी जी दीआं उपलब्धियां ने, अज जो शानदार डिवेलपमेंट हुई है, अज जो गैस कनैक्शन 5 करोड़ तो वध ओह घरां दे विच गैस कनैक्शन देते फ्री, जिन्हां घरां दे विच लोकां महिलावां दी सेहत खराब हुंदी सी, 18,000 पिंड जिन्हां दी बिजली नहीं पहुंचा सकी 70 साल कांग्रेस, अज बिजली युक्त हो गए ने, करोड़ां LED बल्ब जिहड़ा कि 400 रुपए का बल्ब मिलता सी 70-70 रुपए का बल्ब मोदी साहब ने अज दिता, अज रेलवे की उन्नति, अज डिफेंस की उन्नति, हर और सब तो वड्डी गल है कि मोदी साहब पहले दिन तो रिपोर्ट कार्ड दे रहे ने। साडे BJP के सारे MP सारे मंत्री रिपोर्ट कार्ड देंदे ने, असीं इह कीता, अमरिंदर सिंह जी रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दे रहे, उन्होंने मंत्री भगौड़े के हो गए, अमरिंदर सिंह जी दफ्तर नहीं जाते, मंत्री जनता ही मंत्री। मैं उही तुहानूं दस्सन लगा कांग्रेस का षडयंत्र, क्योंकि एक प्रश्न होया सी प्रधानमंत्री जी नूं कि किन्ना काला धन जिहड़ा है वह विदेशों दे विच है, उन्होंने एक एनोलॉजी दसी कि इन्ना काला धन विदेशों च है कि जो वापस आ जाए तो 15-15 लाख देश की सारी जनसंख्या मिल जाएंगे। इनू तोड़ मरोड़ के तो हूँ एक कांग्रेसी षडयंत्र कर रहे ने। मैं पॉजिटिव दसना कि प्रधानमंत्री जी ने तो खजाना भरता है डिवेलपमेंट का, प्रधानमंत्री जी ने तो गप्पे देते ने, अमरिंदर सिंह इस रिपोर्ट कार्ड नू जारी क्यों नहीं करते। धन्यवाद। मेरा ना रैली मेरा ना प्रोग्राम खराब हो जाएगा जी। लोकतंत्र की हत्या कर रही है कांग्रेस पंजाब, क्योंकि फेल हुई सरकार है, लोगों का सामना नहीं कर पा रही, इस करके डेमोक्रेसी का मर्डर इन्होंने कारपोरेशन चुनाव किया, उस तो बाद जिला परिषद किया, उस तो बाद हुण भी कर रहे ने, क्योंकि लोगों का सामना नहीं कर सकते, इस करके सरकारी ताकत के नाल कैंडीडेटा डरा के उन्होंने कागज रद्द करके इस इलेक्शन हाईजैक कर रहे हैं।